जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने उस समय तो जोश में डिसीजन लिया या एक्साइटमेंट में डिसीजन लिया, उसके कुछ समय के बाद जब आप उस पे रास्ते पे आगे चलते हैं तो कोई ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पे लगता है कि यार क्या मैं सही हूँ। मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत बार मैंने लोगों से सुना कि मेरे मन में डाउट आया या मेरे मन में क्वेश्चन आया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कहीं आपने किसी मोमेंट पे आके अपने आप से प्रश्न किया हो कि यार मैं सही रास्ते पे चल भी रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ? सर, काफी बार ऐसा हुआ। समय था वो बहुत क्रिटिकल समय था। आज आप वो याद दुआ रहे हो उस समय का। एक्चुअली मैं किसान परिवार से हूँ जयवीर जी, और मैं हमेशा मेरा मेन काम खेती था। खेती के बाद ही मैं दुकान करता था। जी। मैं इस इंडस्ट्री में जब आया, इस बिजनेस को जब कर रहा था, तो मुझे पहले खेती करनी होती थी, उसके बाद दुकान करनी होती थी। मेरे पिताजी थोड़े से हार्ड हैं नियम कानून के। उन्होंने एक चीज बोल दी थी, बेटा दुकान कर या कर, खेती तुझे ही करनी है, खेती हमारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो मैं जब जाता था इस बिजनेस को करने के लिए, वो तब इसलिए था कि आमदनी मेरे पास कुछ नहीं थी उस समय। खेती में करता था, पैसा फादर के अकाउंट में जाता था। और मैं जब उस इंडस्ट्री के अंदर काम किया, 512 रुपए का मेरा पहला चेक आया था, और मैं लगातार मैं प्रयास करता रहा। बहुत लंबे टाइम तक मुझे वहां आमदनी नहीं आई। अधिकतर मीटिंग और इवेंट करने के लिए दिल्ली आना होता था, और दिल्ली क्योंकि पैसे कम थे तो ट्रेन से आना, ट्रेन से जाना। मैं जहां मैं रहता था वहां से हमारा रेल का स्टेशन 22 किलोमीटर पड़ता है, और ट्रेन से इसलिए जाना था कि पैसे नहीं थे। चले तो जाते थे जोश जोश के अंदर। जब हम लोग वापिस आते थे रात को 11-12 बजे, रेलवे स्टेशन पर हो जाता था, और उस बात सारी रोड बंद हो जाती थी, और व्हीकल उस समय ऐसा कुछ नहीं था। वहां से जो 22 किलोमीटर का जो रास्ता हमारे लिए था, वो बहुत चैलेंज का था। चलो उस रास्ते से चल के चले भी आए, घर आए, घर आते ही गेट खुला, गेट खोलते जो है गालियां पड़नी शुरू होती थी। तो उस समय लगता था, यार तू कर किसके लिए रहा है, जिनके लिए तू इतना दर्द ले रहा है, जितना पेन ले रहा है, और वो ही तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसा, तुम्हें मान नहीं रहा, तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं होती है। तो सर कच्चा तो होता था, बहुत बुरा तो लगता था, लेकिन फिर इंटरनली एक चीज अंदर से आती थी जयवीर सर, कि यार तेजेंद्र जिस दिन लाख रुपए महीने की आमदनी आएगी ना, सबसे ज्यादा खुशी भी इनको ही होगी, सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट लाइफ के अंदर भी यही करेंगे सर। वो चीज थी जो बार बार मुझे प्रेरित करती थी। सही 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 सही। ये आपने बहुत बताया कि जब शुरू में तकलीफ है तो मतलब अलग बात है, लेकिन जब मिलेगा, जब आना शुरू होगा, जब सहूलियतें आएंगी तो सबसे ज्यादा खुश भी वही होंगे। आज तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब आएगा तो सब समझेंगे भी और मानेंगे भी उस चीज को। जी। अभी शायद वो देख नहीं पाए जो आपने देखा था, जो आपने महसूस किया था वो उन्होंने भी महसूस नहीं किया था। जी जी सही जी जी सही सही सही, बहुत सही। तेंदा जी, आज जो मुकाम आपने हासिल किया, जो आपके चेक्स हैं या जो आपने अर्निंग की या जो गाड़ी आपने या ओवरऑल जो एक जीवन स्तर आप जी रहे हैं, तो क्या जी वास्तव में उतना सोचा था या कुछ कम सोचा था या इससे कहीं ज्यादा सोचा था जब शुरुआत की थी तो? एक्चुअली जब हमने सर इस इंडस्ट्री में आए, बिजनेस की शुरुआत की, लाखों रुपए महीना कमाने वालों के लिए हमने देखा, तो मेरा तो मैं अपनी बता दूं, मेरा एक ही ड्रीम बना था, यार किसी भी तरीके से कितनी भी मेहनत करनी पड़े, 1 लाख रुपए महीने की अगर अर्निंग आ जाए तो जिंदगी संवर जाए। तो मेरा, मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आता जाए किसी। अच्छा, सही। तो आप आज की तारीख में कैसा महसूस होता है? सर अब तो बड़ा बदलाव आ चुका है लाइफ के अंदर। अर्निंग बहुत अच्छी अर्निंग है। 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर 1,07,00,000 रुपए वेस्टेज के माध्यम से आए हैं। गाड़ियां हैं आज कई सारी, घर बन चुका है। और सबसे मजे की बात यह है कि जिस सपने के साथ वेस्टेज शुरू किया था कि मेरे माता पिता की जिंदगी में बदलाव आएगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरी वाइफ की लाइफ स्टाइल मेंटेन होगी, वो सारी चीज आज हो चुकी है। राइट राइट राइट। तो आपको क्या लगता है कि आज अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस क्या है या सक्सेस की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे आज, तो आप क्या डिफाइन करेंगे आप? सर मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, सफलता का मतलब है लगातार बढ़ते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना। अगर हम कोई एक चीज अचीव करने के बाद वहीं रुक जाते हैं तो हम सफल नहीं है। बस वो चीज हमने अचीव कर ली, उसके बाद क्या, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। सर मैंने 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग पाई, मैंने 2 लाख का टारगेट बनाया, मेरे 2 लाख रुपए की अर्निंग पाई, मैंने डायरेक्ट 5 लाख का टारगेट बनाया, मैंने 5 लाख का है, फिर मैंने 10 लाख का टारगेट बनाया, अभी 20 लाख का टारगेट है। अब इसके साथ साथ हमारे टारगेट जुड़े हुए होते हैं सर डाउनलाइन से, क्योंकि अब एक्चुअल सफलता तो वही है ना कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो लोग मेरे मैंने उन लोगों को सपने दिखाए, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, आज मैं उनके लिए क्या कर पा रहा हूँ। अगर वे लोग भी सफल हैं, वे लोग भी ग्रो कर रहे हैं,
तो मैं तो सफल हूँ, अगर वे ग्रो नहीं कर रहे हैं किसी तरीके से, मैंने पैसे कमा लिए, तो मैं इसको सक्सेस नहीं मानता सर। ये आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि सबसे बड़ा सफलता तब है जब मेरे साथ जो लोग आए, जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ वो लोग आए, उनके सपने पूरे करने में जब मैं मदद करता हूँ और उनके सपने जब पूरे होंगे तो सबसे बड़ी सफलता है जी। ये बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बताई।